बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, चिकन के शामी कबाब बनाएंगे। 1 किलो चिकन है, 1 गट्ठी वो लहसुन की है छील के, और उसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, हल्दी, और ये चने की दाल तकरीबन आधा किलो दाल है। बाकी ये धनिया, प्याज और पुदीना और अदरक ये बाद में जाएगा, पहले ये चीज़ें जाएंगी। आप हल्की आग पर रख दें, वैसे अगर प्रेशर देना चाहते हैं तो 5 से 8 मिनट प्रेशर दे दें इसको। भीगी हुई दाल आधा घंटा हो गया मैं इसको भीगे हुए। चले इसको प्रेशर दे के फिर उसके बाद में दिखाती हूँ। ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 मग इसमें पानी गिर जाएगा। चिकन भी डाल दिए, लहसुन भी डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाल देखें गल गई, चिकन भी गल गया। जब इसकी हड्डियाँ जो चिकन की वो अलग कर लेंगे, फिर इसको चॉपर में पीस दें। पहले प्याज ये जो 3 रखे हुए थे ये चॉप कर लें, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। छील के रखा हुआ था, ये हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, ये सारा कुछ इसमें डाल दें, साथ ही चॉप हो जाए। ये प्याज देखें बारीक, बस बारीक करना, पीसना नहीं है उसको। ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक, ये भी निकाल लें। अब दाल पीस लेंगे। अभी इस चॉपर में डाल के दाल पीस लेंगे। दाल किसी भी, ये भी इस मसाले में डाल दें। ये उसी चॉपर में ये चिकन जो उबला था, इसकी हड्डियाँ अलग कर ली हुई हैं। आप बोनलेस लेना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। चॉप की हुआ चिकन भी डाल दें। एक चम्मच जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा और 1 टीस्पून जो है अजवाइन, ये अब सारा इसमें डाल दें। अब इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, चम्मच से नहीं होगा। प्याज, हरा मसाला, ये गरम मसाला, ये अजवाइन और ज़ीरा, ये सारा अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। दाल गली होगी, भीगी हुई दाल ज़रा उसके नरम बनते हैं। अगर आप दाल भीगी नहीं होगी तो उसके ज़रा शामी कबाब सख्त बनते हैं और टाइम भी बढ़ा लेते हैं। ये मसाला रेडी हो गया सारा, उसमें अदरक, हरा धनिया, मिर्चें सब मिक्स। ये किसी भी आप किचन में आपके जो यूज़ होती हैं डिब्बियाँ नमक मिर्च वाली, उसका कोई ढक्कन लें, ऐसे कर लें, ये ऐसे एक जैसी बनेगी। वैसे आप हाथ से बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे दरअसल एक जैसी बनती है। ये
ये सारी ऐसे बना के आप इसको फ्रीज कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कबाब हमने बना लिए, अब इसको फ्राई करते हैं। अंडा फ्रेंडली अंडे में डिप करके बाकी हमने फ्रीजर कर ली। इतना से निकाल के एक से दो मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर लें। शामी तैयार हो गए हमारे, अब हम इन्हीं की शामी से हम बर्गर बनाएंगे। शामी बर्गर जो बाजार से मिलते हैं, इनको गर्म कर लें पहले। पहले इसमें लगाएंगे मायनीज। मायनीज नहीं पसंद ना लगाएं, बस इसमें ये कबाब रख दें। कबाब नहीं फ्राई करने ना करें आप वैसे भी इसमें, क्योंकि पकी हुई हर चीज़ कच्ची कोई नहीं है। फ्राई करके लगाने, फ्राई करके लगा लें। इसमें जाएगी ग्रीन चटनी। इसमें जाएगी केचप। ये बर्गर के जो ऊपर वाली जगह, ये जो ऊपर वाला बन है इसका, इसको हल्का सा इसमें डिप करके निकाल दें। फ्राई किया हुआ अंडा, थोड़ा सा प्याज, ये अंडा लगाने से थोड़ी सी इसकी बाजार की शक्ल आ जाती है।
ये इसके बर्गर भी तैयार हो गए। शामी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बर्गर भी बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनते हैं। इंशाल्लाह पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिए।